ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार राहुल गांधी मुखर रहे हैं। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हालांकि बीते 24 घंटों में संक्रमितों की संख्या में बहुत मामूली सी कमी जरूर हुई है। वहीं देश भर में जारी ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी और कोरोना प्रबंध को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि 2020 में जब पहली बार यह महामारी आई थी तब भी मैंने सरकार को चेताया था, लेकिन तब मेरा मजाक उड़ाया गया। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए अपने एक इंटरव्यू में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री एक मशीनरी चला रहे हैं जो उनको ब्रांड के रूप में स्थापित करने का काम कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के कारण उपजे हालातों को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत को कड़ी टक्कर दी है, हम लोगों को चिकित्सा सहायता, दवाओं, ऑक्सीजन के लिए हाफते हुए देखते हैं, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि यह हर दिन मेरे दिल को तोड़ देता है, ताकि हम अपने आसपास की तबाही के लिए जाग सके। यह कोई लहर नहीं है, यह एक सुनामी है जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया है। हर जगह कभी न खत्म होने वाली कतारें हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त करने के लिए कतारें हैं, सिलेंडर को फिर से भराने के लिए कतारें हैं, जीवन रक्षक दवा लेने के लिए कतारें, अस्पताल में बिस्तर पाने के लिए कतारें, और अब तो शमशान के बाहर भी कतारें हैं। आपको बता दे, कोरोना की पहली और बाद में दूसरी लहर की भयावहता को लेकर राहुल गांधी ने कई बार मोदी सरकार को चेतावनी दी थी। ऐसे में क्या ये केंद्र सरकार की विफलता है? इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में पिछले एक साल से महामारी अधिनियम लागू है। अधिनियम के तहत राज्यों पर केंद्रों की पूर्ण शक्ति है। यह एक ऐसी सरकार है जो सब कुछ नियंत्रण करना चाहती है। जब मामले कम हुए तब उन्होंने कोरोना पर जीत की घोषणा की और प्रधानमंत्री ने सारा श्रेय ले लिया, जैसा कि वह हमेशा करते हैं। अब जब स्थिति भयानक है तो आप राज्यों को दोष क्यों दे रहे हैं? मोदी सरकार ने बिना किसी जवाबदेही के, बिना किसी पारदर्शिता के पीएम केयर फंड के नाम पर करोड़ों का दान लिया। राज्य सरकारें ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और टॉसिलीजुमेब इंजेक्शन के कोटे के लिए मोदी सरकार पर निर्भर है। मोदी सरकार ने राज्यों के पीठ के पीछे से उन्हें शक्तिहीन कर दिया और अब उन्हें अपने स्वयं के मामलों को सुलझाने के लिए कहते हैं। ऐसे में जाहिर है सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए हमारे पास संसाधनों की कमी है। अस्पताल ऑक्सीजन के लिए उच्च न्यायालयों की याचिका दायर कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता श्रमिकों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे हैं। वो लोगों को नहीं बचा सकते हैं। जो भी भारत में हो रहा है उससे पूरी दुनिया हिल गई है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कोरोना को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने सरकार को इसके लिए पहले ही चेताया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए सरकार है कहाँ? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह गायब है। वे केवल प्रधानमंत्री की छवि को बचाने और दूसरों को दोष देने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। इन दिनों एक नया शब्द चर्चा में है कि सिस्टम। कहते हैं कि सिस्टम विफल हो गया। यह व्यवस्था किसकी है? सिस्टम कौन चलाता है? जिम्मेदारी स्वीकार करने से बचना सिर्फ एक चाल है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी आज देश में हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी की ही गलती है। पीएम मोदी सरकार नहीं, एक मशीनरी चला रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीएम को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का काम कर रहा है। सरकार कल्पना के आधार पर काम कर रही है। महामारी को समझने में केंद्र सरकार नाकाम रही है। महामारी की शुरुआत में ही मैंने सरकार को चेताया था, लेकिन तब भी उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। 2020 में फरवरी और मार्च में एयरपोर्ट के जरिए वायरस हमारे देश में आया, लेकिन इसके बाद सरकार बिना किसी सलाह के सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। इससे प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। राहुल गांधी से जब कांग्रेस की कमान फिर से संभालने को लेकर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने हमेशा कांग्रेस के भीतर आंतरिक संगठनात्मक चुनावों का समर्थन किया है और ये तय समय पर आयोजित किए जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को यह तय करना है कि पार्टी का नेतृत्व कौन करे। पार्टी जो चाहेगी मैं वो करूंगा, लेकिन फिलहाल हमारा ध्यान महामारी को नियंत्रण करने, जीवन बचाने और भारत के व्यापक दुख और दर्द को कम करने पर है।
राहुल गांधी ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को लगाई गई फटकार को लेकर कहा कि न्यायालय का अपना एक नजरिया है, कोर्ट क्या कहता है क्या करता है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बीते 7 सालों में हमारी सभी संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया और सुनियोजित तरीके से उन्हें हायर कर लिया गया। प्रेस, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, नौकरशाही, उनमें से किसी ने भी अभिभावक प्रहरी की अपनी भूमिका नहीं निभाई। कोरोना समस्या का सिर्फ एक हिस्सा है, असली समस्या यह है कि भारत में अब किसी भी बड़े संकट का जवाब देने की क्षमता नहीं है, क्योंकि पिछले 6 वर्षों में कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही कह रही है कि वह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में केंद्र सरकार के साथ काम करने को तैयार है, लेकिन जब हमारी तरफ से कोई सुझाव दिया गया तो सरकार ने भी इन सुझावों को सार्थक रूप से स्वीकार नहीं किया है। मुझे अभूतपूर्व संकट के इस समय में सरकार के साथ मिलकर काम करने में कोई विरोधाभास नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि समस्या तब पैदा होती है जब सरकार परामर्श में विश्वास नहीं करती है। सरकार को यह लगता है कि मदद की जरूरत को स्वीकार करना कमजोरी का संकेत है। इस सरकार का घमंड और फालतूपन अविश्वसनीय है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।